इंदौर नगर निगम द्वारा विकास कार्यों में बाधक बन रहे अतिक्रमण पर रिमूवल की कार्यवाही लगातार जारी है। तो वहीं आज नगर निगम के रिमूवल अमले ने एक बार फिर से बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। तो वहीं सरवटे बस स्टैंड से MR10 को जोड़ने वाली MR4 सड़क को लेकर लंबे समय से योजना पर कार्य हो रहा है। तो वहीं इस प्रोजेक्ट में भागीरथपुरा और पोलो ग्राउंड में बनी कई फैक्ट्री बाधक बन रही थी। तो वहीं जिसके बाद आज निगम के रिमूवल अमले ने मौके पर पहुंचकर 6 फैक्ट्रियों पर कार्यवाही की है। तो वहीं निगम के अमले ने सड़क निर्माण में बाधक बन रही सभी फैक्ट्रियों के अवैध हिस्सों को JCP और पोकलेन मशीन से जमीन दोज कर दिया। अधिकारियों की माने तो निगम की ओर से सभी भवन मालिकों को नोटिस दे दिए गए थे। इसके बाद आज कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। कार्यवाही के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। आज पोलो ग्राउंड में हम लोगों ने कार्रवाई शुरू करी है। सुबह 8:30 बजे कार्रवाई शुरू हुई। 6 फैक्ट्रीज के शेड जो आगे के हिस्से थे, जो हमारे रोड निर्माण में बाधक थे, उनको हम लोगों ने पर्याप्त समय दिया था। नोटिस वगैरह की पूरी कार्रवाई हमारे बिल्डिंग ऑफिसर ने की हुई थी। और उसके बाद में हम लोगों ने आज सुबह, उन्होंने चूँकि पहले से खबर थी तो खाली कर चुके थे, उनको खाली हिस्सों को जितना हमको रोड बनाने में चाहिए था उतने हिस्से को हम लोगों ने आज सुबह तोड़ा है। 6 फैक्ट्री के शेड हैं ये, और ये कार्रवाई हम लोगों ने अभी 10-5 मिनट में ख़त्म होने वाली। कोई विवाद नहीं है। सब ये उनको पहले से मालूम था, इसलिए उन्होंने खाली भी किया हुआ था। सब फैक्ट्री मालिक भी आ गए थे, उनकी मौजूदगी में ही हम लोगों ने उन जितना हिस्सा हमें चाहिए था उतना हिस्सा हम लोगों ने तोड़ा है। आज सुबह इसके निर्देश थे, फिर आगे जैसे भी निर्देश मिलेंगे वैसे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।